Hi guys. Hello. I'm Pratibha. चाहत आप सबको पता ही होगा. I'm just waiting for more people to join ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ बातें करना शुरू करूँ. So how are you guys spending your quarantine? I hope आप सब safe हो, indoors हो, because it's very bad outside. जो कोरोना वायरस है, it's spreading like hell. So जो लोग स्पेशली बॉम्बे दिल्ली, guys please be safe and I hope you are. Hello, hi everyone. Hi, hello. Hi. And I hope आप सब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड हैविंग अ गुड टाइम. आई नो इट्स डिफिकल्ट टू स्टे इंडोर्स, एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और अनोइंग हो जाता है, बट इट्स ओके. आई मीन लाइक वी नीड टू स्टे दिस वे. नील इज सेइंग हाई. आई सेड हाई टू नील. मैंने नील को हाई कहा. चाहत नील को हाई कह रही है. सबको हाई कह रही है चाहत, नील को ही नहीं. हाई. ओके, सो आप लोग क्या करते हो पूरे दिन? बिकॉज मैं वापस शिमला आ गई हूँ. मैं अपने जहाँ से मैं हूँ, माउंटेन से, मैं वापस अपने माउंटेन्स वाले एरिया में आ गई हूँ. एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे. बट फिर मैं बॉम्बे को भी उतना ही मिस कर रही हूँ, बिकॉज अब मुझे वापस मुंबई आना है. एंड मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, पर लेट्स सी कि आप लोग क्या कह रहे हो. Hi Neil, hi Karan. Hi Shishti, hi everyone. I know it's a very difficult time, but हमें बिजी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए काफ़ी कुछ करती हूँ. आई मीन लाइक आई मेक श्योर कि मैं अपने डे का पूरा अच्छा इस्तेमाल करूँ, पूरा मेक बेस्ट यूज़ ऑफ एवरीथिंग. मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ सब कुछ अच्छे से करने की, अपना पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ. तो मैं आप लोगों को बताती हूँ हाउ मैं अपना डे कैसे स्पेंड करती हूँ. व्हाट्स माय क्वारंटीन रूटीन. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, बहुत ज़्यादा. आई स्लीप अ लॉट. पर अभी सब हाई हेलो ही बोल रहे हैं. हाउ आर यू? आई एम फाइन. प्लीज टेक माई नेम. पर अभी मैं बोल देती हूँ लाइक डू यू प्ले लूडो? ओ माई गॉड करण, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ. मैं आप लोगों को बताना शुरू कर रही हूँ कि मैं अपने क्वारंटीन में क्या क्या करती हूँ. मैं बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ. आई स्लीप अ लॉट. जब मैं शूट्स पे होती थी तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था सोने का, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड स्लीपिंग हाइजीन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. करण, विल यू स्टे शट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एवरी डे. तो आई गेट अप अराउंड 11 और 10. 10 और 11 के बीच में उठती हूँ. देन आई स्टार्ट माई वर्कआउट. वर्कआउट बहुत ही लाइट वर्कआउट करती हूँ. इट्स नॉट वेरी इंटेंस, वेरी हैवी, इतना मैं करती नहीं हूँ. जस्ट टू स्टे फिट थोड़ा सा मैं वर्कआउट कर लेती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं. एंड उसके बाद आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई ड्रिंक मिल्क. मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ. ओके, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सा जो मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ. मैं रोज़ ब्रेकफास्ट में हिमाचली डिश खाती हूँ. आई मीन इट्स सिड्डू. इट्स अ हिमाचली ट्रेडिशनल फूड हिमाचल का. तो मैं रोज़ अपना ट्रेडिशनल फूड खा रही हूँ. वो सिर्फ मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ एंड इट्स वेरी हेल्दी. सबसे ज़्यादा तो इट्स लाइक इट्स वेरी हेल्दी, वेरी 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 हेल्दी. सो आई ईट माय फूड. देन आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. आई एम जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली. मेरे पास कुछ और करने को है नहीं फिलहाल. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में बिज़ी रखूँ, पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है करने को. बट या आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली. एंड यस, बस इतना.
अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है सो प्लीज़ गो अहेड, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, लिट कैनरी दी, व्हाट एल्स आई हैड, ओके सो एक और चीज़ बोलती हूँ, रिमेंबर प्रतिपति, येस आई रिमेंबर एवरी वन गाइज, मुझे सब याद है जो जो भी कॉमेंट्स कर रहे हैं घर पर, लूडो एवरी थिंग, चाहत नीलकंठ ध्यानी, प्लीज़ से माई नेम, प्लीज़ प्लीज़ आप सबके नाम में बोल दूँगी, प्लीज़ से माई नेम, ओके सो वन थिंग जो मैं आज सबको बताना चाहती हूँ ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी. तो अभी हम एक छोटा सा सेशन करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को योगा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, लाइक हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डू योगा, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू स्टे फिट. तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ आई स्टार्ट विद नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज. अभी हम वो एक्सरसाइज करेंगे बट अभी सुबह तो है नहीं क्योंकि मैं शाम को लाइव आई हूँ, सो इट्स ओके. अभी फ़िलहाल मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि हम वो एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं. सो सिट इन अ वेरी कम्फर्टेबल पोजिशन, जो भी पोजीशन आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगती है, वेर एवर. बल्कि आजकल तो इट्स लाइक पोल्यूशन भी बहुत कम है, तो अर्ली मॉर्निंग अपनी बालकनीज में जाओ एंड डू दैट एक्सरसाइज, इट विल रियली हेल्प यू ऑल. एंड सो लेट्स स्टार्ट. सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, टेक अ डीप ब्रेथ इन और अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करो, होल्ड इट इनसाइड योर सेल्फ एंड देन exhale it. Do it for like 5-6 times. इससे it's not a big thing, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, but it is a tool जो आपको आपके emotions को control करना सिखाता है. It's not a very great thing also, but you should do it. सबसे ज़्यादा important people, especially people suffering from anxiety, जिनको बहुत ज़्यादा panic attacks आते हैं, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं and जो अपना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अगर वो 5-6 टाइम्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल हेल्प देम अलॉट, वो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे. एंड आफ्टर दैट व्हाट एल्स डू आई डू, मैं कपालभाति भी करती हूँ, बट इट्स लाइक अगर आप लोग पहली बार ये सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि ज़्यादा हाई लेवल पे ना जाए, स्लोली स्लोली डे बाय डे आप लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कपालभाति. टेक अ डीप ब्रेथ इन अगेन, होल्ड इट इनसाइड योरसेल्फ एंड स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस में एक्सहेल इट आउट. सो दिस इज हाउ आई डू कपालभाति. जनरली इट इज, जब भी योगा करती हूँ तो देयर इज अ पैटर्न योगा करने का. आई स्टार्ट विद मेडिटेशन, देन आई गो ऑन टू वार्म अप. तो जब मैं वार्म अप करती हूँ फिर वो पूरा अपर टॉर्सो से लेकर लोअर टॉर्सो तक होता है, वो बहुत ही लंबी चीज़ है, तो वो मैं अभी तो आप लोगों को नहीं बता सकती. इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस, वेरी बिग प्रोसेस. सो डिपेंड्स अपॉन कि आपने कब अपना योगा शुरू किया है, आप कौन से स्टेज पे हो, इट्स अ बिग थिंग. टू सेकेंड्स. ओके एंड आशना मैम, आई एम योर फैन. आशना मैम, हूज आशना मैम, प्लीज से माई नेम, दैट्स प्योर हार्ट. प्लीज प्लीज आपका नाम, माई नेम, आई एम प्रतिभा रांटा, चाहत, वॉच माई शो ऑन जी टी वी, कुर्बान हुआ. टू सेकेंड्स आर ओवर. हाँ मैंने फोन नीचे रख दिया है करण, प्लीज ऐड करण. हेलो मैम. ओके गाइस, रॉक हिमाचल डे पर एक नाटी. ओके या सबसे, आई वाज, आज हिमाचल डे है, इट्स 71st, या 71st एनिवर्सरी ऑफ हिमाचल डे. आई यूज टू परफॉर्म एवरी टाइम बट इस बार आई कैन नॉट परफॉर्म क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा है, बाहर जाना मुश्किल है, तो हाउ कैन आई परफॉर्म. वी विल डू अ लाइव सेशन. हेलो, प्लीज़ ऐड कीजिए, प्लीज़ ऐड कीजिए. हेलो, हाय गाइज,
अगर आप लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछने हैं अभी पूछ सक प्लीज प्लीज गो अहेड. विच हिमाचली डिश? हिमाचली डिश सिड्डू. यस सिड्डू, बेडवी रोटी, बाड़ी. वी हैव बाड़ी ऑल्सो. आप क्यूट लग रहे हो. थैंक यू. हाय हाय हेलो हाय गाइस. मैं भी कास्ट होना चाहता हूँ टीवी सीरियल्स में. कैन यू हेल्प मी? ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रतिभा. हाय, आपका फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर ब्लू, सबको पता है. हेलो हाय, सीरियल कब से चालू होगा? जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा सबसे पहला काम हम अपना शूट शुरू कर देंगे. एंड आई रियली मिस शूटिंग. मुझे तो अब भी वापस जाना है. आई वॉन्ट टू शूट बट आई कान्ट डू एनी थिंग. सो इट्स ओके. वन मैसेज टू एवरी वन, जिस कंडीशन में अभी हम सब है, जस्ट मेक श्योर कि आप इसे बहुत ही पॉजिटिव वे में लें. वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क, डू डिफरेंट थिंग्स. मैंने कभी मुझे हमेशा से जिमनास्टिक्स करनी थी, पर मेरे पास कभी इतना टाइम था नहीं. इनफैक्ट जब मैं शूट्स पे होती हूँ तो मुझे तो हार्डली टाइम मिलता है. बट नाउ मैं कम से कम अपने बेसिक्स क्लियर कर पा रही हूँ. यस्टरडे मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी डूइंग अ हैंड स्टैंड. तो मैं अपने हैंड स्टैंड पर भी काम कर रही हूँ. हेड स्टैंड, आई एम जस्ट क्लीनिंग माई बेसिक्स. आई एम पॉलिशिंग माई बेसिक्स. और मैं डांस भी करती हूँ. आई एम जस्ट पॉलिशिंग इट, नथिंग स्पेशल. आपका फेवरेट सॉन्ग बताइए. मेरा फेवरेट सॉन्ग, आई डोंट हैव एनी फेवरेट सॉन्ग. इट डिपेंड्स. कभी कभी डिपेंड्स अपॉन माई मूड. आई रियली डोंट हैव अ फेवरेट सॉन्ग. यस यस यस. हेलो, गुड इवनिंग मैम, जॉइनिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. हेलो हाय, योर फर्स्ट शो? या गाइस, दिस इज माय फर्स्ट शो. व्हाट्स योर एज? आई एम 19. हेलो, आपका वो शो बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. एंड गाइज, टॉकिंग अबाउट शोज, अभी जी टी वी पे बहुत सारे शोज़ हैं. जैसे बारिश बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, डू वॉच दैट. एंड हम पांच को वो फिर से दिखा रहे हैं जी टी वी पे. वॉच दैट, वो भी बहुत ज़्यादा फनी है. एंड माई फेवरेट पार्ट, डांस इंडिया डांस सीज़न 2. आई रिमेंबर जब मैं उस टाइम मैं बहुत छोटी थी जब डांस इंडिया डांस सीज़न 2 आता था. बट आई रिमेंबर ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट ऑफ डांस इंडिया डांस. शक्ति, पुनीत, धर्मेश, कुंवर अमर, ओ माई गॉड, दीज गाइज वर सो अमेजिंग. इनफैक्ट दे आर सो अमेजिंग. अगर आप लोगों को पूरा एपिसोड देखना है तो यू कैन सी इट ऑन जी टी वी. अभी वो सारा स्ट्रीम हो रहा है फिर से. What's your favorite color? Blue. Blue is my favorite color. Hello. Hi. Kundli Bhagya बहुत अच्छा है. Yes. सारे shows बहुत अच्छे हैं, guys. Show you want to see my wardrobe. अब मेरे आधे कपड़े शिमला में हैं, आधे कपड़े मुंबई में हैं, तो मेरा वार्ड्रोब अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है सारे में. आई कॉन्ट शो यू माई वार्ड्रोब राइट नाउ. लिसन, आई एम सेंडिंग यू रिक्वेस्ट, एड मी एज वेल. ओके, शुड आई एड यू? ओके, कम. मुझे रिक्वेस्ट नहीं मिली है. शायद. ओके, लेट्स ऐड करण. आई एम एडिंग करण गाइस. जिन जिन को देखना था, यू कैन सी इट राइट नाउ. What's happening, people? How are you? I am sleepy. मुझे बस नींद, मुझे बस बहुत नींद आ रही है. अभी क्या करूँ, नींद आ रही तो नींद आ रही है. What's up, guys? Hi, hi, ZTV fans. कैसे हो आप सब? हम actually Saturday को live आने वाले थे, लेकिन मन किया अभी भी आने का, तो अभी भी आ गए. और Saturday को भी live आएंगे हम, तो आप जरूर Saturday को भी live आना. है कि नहीं? Saturday को भी live आएंगे ना प्रतिभा?
यस वी कम ऑन सैटरडे एज वेल। तुम यस वी कम ऑन सैटरडे एज वेल। यस वी क्या कम ऑन कर रहे थे सैटरडे एज अभी? वेल। मैं सोने की कोशिश सोने की और क्या। कोशिश, हाँ और क्या, और क्या करना चाहिए क्वारंटीन में यार। या तो मनी हाइस देखो या सोने की कोशिश करो वर्कआउट दोनों से। हाँ वर्कआउट वर्कआउट करना चाहिए, तो फिट। मुझे बताना जरा क्या क्या वर्कआउट करना चाहिए। सब लोग देख भी पाएंगे ना तो क्या क्या कर रही है एग्जैक्टली। हाँ तुम कुछ भी शुरू कर सकते हो। लाइक अगर तुम पहली बार वर्कआउट कर रहे हो सो यू शुड पहली स्टार्ट बात कुछ भी शुरू कर सकते हो नहीं होता, जो स्पेसिफिक है वो स्टार्टिंग विद द बताओ। फर्स्ट टाइम। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइम ज्यादा इंटेंस लेवल पे मत करना, बिकॉज हर चीज का एक्सेस बहुत बुरा भी हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्लोली डे बाय डे एक एक लेवल करके ऊपर जाओ। लेकिन शुरू किससे करें जरा वो तो बताओ दुनिया को। शुरू हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। ब्रीदिंग किससे? एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग नॉर्मल। एक्सरसाइज। हाँ, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ओके तो ओके या इनहेलिंग एक्सहेलिंग अलग से कैसे करते हैं? हम तो नॉर्मली करते हैं जब रोज करना पड़ता है, लेकिन ये अलग से कैसे करते हैं? अलग से, इट्स नॉट अलग से कैसे करना है, इट्स जस्ट समथिंग। अगर इट्स नॉट अ, इट्स वेरी क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं, इफ यू हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बहुत गुस्सा आता है, तो यू नो यू कैन जस्ट डू अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर 5 सेकेंड्स। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट फॉर लाइक 5 टाइम्स। इट विल रियली हेल्प यू। लाइक आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। मुझे तो और गुस्सा आ रहा है यार ये सब करके। अब वो तुम थोड़ा डिफेक्टेड पीस है तुम्हारा, मैं कुछ कर नहीं सकती इसमें। अच्छा नो ऐसा है यार, ऐसा है यार, ऐसा भी हो सकता है ना कि तू गलत सिखा रही है यार। मैं गलत नहीं सिखाई, तुम ठीक से कर नहीं रहे हो। ओके वी विल डू इट अगेन, हम साथ में करते हैं। ठीक है, हम साथ में करते हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ इन। वन सेकेंड वेट, मेरे को पहले बाल सेट करने हैं। आई वांट टू लुक गुड ऑन कैमरा। ओके 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 ठीक है, पहले बाल सेट करना है। यस, बाल सेट, बाल सेट नहीं करना, इट्स ओके जैसे भी हो यू कैन डू इट एनीवे। एंड फर्स्ट हिट मैं लगा। तो ये प्रेफर करूंगी कि आजकल बहुत कम पोल्यूशन हो गया है, सो गाइस अर्ली मॉर्निंग अपनी बालकनी विंडो के पास जाके ये एक्सरसाइज करो, बिकॉज फ्रेश एयर में ये एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट आर यू थिंकिंग? ये तो मेरे ख्याल से लिमिटेड दिन ही है हमारे पास, क्योंकि एक बार लॉकडाउन खत्म हो गया उसके बाद तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन होने वाला है। उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, सबका काम शुरू हो जाएगा। तो मैं वही बता रही हूँ, क्वारंटीन में व्हाट यू गाइस कैन डू, क्वारंटीन में यू गाइस कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन वर्क ऑन योर इम्यूनिटी, यू कैन मेंटेन अ गुड डाइट। दिस इज समथिंग व्हिच गोइंग ऑन रिलेटेड टू क्वारंटीन। ओके डाइट यार, या लेकिन घर पे मम्मी वही दाल चावल खिला रही है, उससे डाइट अच्छा होगा? खाली वही खाना पड़ेगा। कि जो जंक खा रही हो उसको मैं ड्रेन आउट कर दू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ बैलेंस। मैं जितना भी फैट गेन कर रही हूँ उसको मैं बर्न कर दू, तो जो मैं मुझे जरा, फैट बर्न। मैं हाँ ये जानना बोलो। चाहता हूँ कि तुम्हारे स्किन केयर का राज क्या है। ओ माय गॉड, नथिंग। नथिंग मतलब ये तो ऐसा, ये तो बहुत ही बेकार आंसर है। मतलब स्किन केयर का राज होना चाहिए ना, बताना चाहिए ना लोगों, लोग जानना चाहते हैं कि तुम क्या करती हो, प्रॉपर स्किन पे क्या लगाती हो। प्रॉपर प्रॉपर स्लीप स्लीप एंड ड्रिंकिंग अ यार, लॉट ऑफ। इधर तो नींद ही नहीं आती यार मुझे। तुम्हारी स्किन भी ग्लो कर रही है वैसे। मेरी स्किन इसलिए ग्लो कर रही है क्योंकि मैंने फोन को एक ऐसी जगह पे डाला है जहां से स्किन ऐसा लगे ग्लो कर रही है। नाइस। बट नाइस यार, गुड टू सी पीपल ऑनलाइन। या आई थिंक द वीडियो कीप्स फ्रीजिंग बिकॉज देयर आर टू पीपल ऑन द सेम एंड आई माइट हैव अ पोर्टल। बैड नेटवर्क। यू ऑलवेज हैव अ बैड नेटवर्क। या आई कांट हेल्प दैट। मैं प्रतिभा, लूडो खेल रही है क्या तू? हाँ मैं लूडो चैंपियन बन गई हूँ आजकल, जब मेरे पास कुछ करने को अच्छा नहीं। आई प्ले लूडो विद माय फ्रेंड्स, और मैंने एक लूडो करण के साथ भी खेली, उसमें करण हार रहा है बहुत टाइम से। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं बहुत सारे भाई, अगर मैं दुनिया को दिखा दूंगा यहाँ पे। करण, मेरे पास ही बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है, वो वाला स्क्रीनशॉट है जहां पर मैं जीता हूं और तेरे 4 के 4 कॉइन्स अभी तक मैदान में है। ऐसा मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, बस 6-7 स्क्रीनशॉट्स हैं। वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि 4 के 4 कॉइन्स मैदान में, ऐसा ऐसा आज तक नहीं हुआ। और ऐसा यू शो मी स्क्रीनशॉट लाइक मेरे पास है, और इस लाइफ के बाद सब मेरी स्टोरी चेक करना। मैं उस स्टोरी को आप नो लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रतिभा कितनी बुरी तरह से हारी थी
और हारने के बाद वो रोई बात भी है, और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि यार मैं नहीं खेलूंगी अगली बार तुम्हारे साथ, तुम चीटर हो। मैंने फिर प्रतिभा मुझे ये रीजन देती, फिर प्रतिभा मुझे ये रीजन देती कि मेरा मूड आज खराब था, मैं ये देना वो नहीं। मतलब लूडो का और मूड से क्या लेना देना है? लेना देना है मेरी कॉम्पिटेटिव फीलिंग होती है जब मैं खेलती हूँ, तो आई नीड दैट फील कि हाँ मुझे जीतना है, उसमें नहीं था फील के क्या, लूडो तो लूडो भी ये देखता है कि हमारा मूड कैसा है, अकॉर्डिंगली हमें 6 1 2 3 देता है, ऐसे थोड़ी करता है लूडो। बट तुम हारे हो, तुम मुझसे ज्यादा हारे हो, ये मैं बात नहीं, भी मैं पता है। मेरे ख्याल से मैं एक दो लेवल एक दो गेम ज्यादा हूँ, लेकिन आज डिसाइड हो जाएगा कि कौन अल्टीमेट विनर है। लॉकडाउन के पहले तो मैं ही जीतूंगा, लॉकडाउन खत्म होने से पहले तो मैं ही जीतूंगा, वो ठीक है, कंफर्म है। तुम अभी तक सिर्फ 3 4 बार जीते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें इनफैक्ट जो फैंस हैं यहाँ पे, जो फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली फैंस मैं बोलता नहीं किसी को, इनको भी लूडो में कभी कभार ऐड कर देना चाहिए। या वी कैन डू दैट, वी शुड डू दैट, 4 लोग खेल सो सकते हैं एक बार में। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आई मीन यू थिंक वी शुड ऐड यू गाइस टू द लूडो गेम दैट वी प्ले? सब तो खेल रहे हैं लूडो और हम बेकार में लूडो की मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लूडो तो बहुत खुश होगा। या मैं यहाँ पे फिटनेस के बारे में बोलने आई थी और तुमने मुझे लूडो पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, चलो हम देखते हैं, ठीक मैं भी जरा देखता हूँ कि फिटनेस में क्या क्या मुझे करना चाहिए जो प्रतिभा हमें दिखा रही है। ऑलमोस्ट आई एम डन विद जो मुझे बोलना था, मैंने उसको कुछ बोल दिया है, सबको पता भी चल गया है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर्स डूइंग एनी ऑफ योर फेवरेट योगा पोज, कोई भी फेवरेट योगा पोज, एंड पुट इट ऑन इंस्टा, टैग ZTV एंड टैग मी विद द हैशटैग घर घर योगा। इट्स अ स्मॉल इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टे फिट इन नाउ डेज, बिकॉज यू कैन सी अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। यू कैन सी कोरोना वायरस, वो सबसे पहले जिन लोगों को ऑलरेडी, वो जो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं लाइक डायबिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत आसानी से वो कोरोना वायरस को कोरोना वायरस में हो रहा है बहुत ज्यादा आसानी से। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ गुड इम्यूनिटी एंड हाउ टू मेंटेन दैट, तो आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है, ईट गुड फूड, या दैट्स इट। और कुछ जो हमें जानना चाहिए? आप लोगों बस इट्स फाइन, इतना काफी है, क्योंकि मैं ओके खुद एक बहुत बड़ी फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, तो जितना मैं ओके करती हूँ मैं बस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एंड अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, जिसको करना है वो प्लीज करो एंड यू शुड डू, और जिसको नहीं करना पर्सनल जो चॉइस, क्या या करना चाहिए? इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी है हमारी कि हम सबको करना ओके, चाहिए। बट सम पीपल आर ओके नॉट डूइंग इट, सो आई एम सेइंग इट्स अ पर्सनल चॉइस, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं कह रही हूँ, मे बी कुछ लोगों को ना लगे, सो इट्स दैट। ओके कूल, लेट्स लुक एट पीपल्स मैसेजेस एंड सी व्हाट दे आर सेइंग। लव यू तारा रा रा रा, आई लव यू टू। डॉक्टर चाहत कैन गिव द हेल्थ राइट हेल्थ टिप्स, ऑफ कोर्स शी इज अ डॉक्टर तो उसको देना ही है। यस, एंड आई एम खुशी वेरी मच गुलाटी, ऑल्सो। खुशी गुलाटी हाय। वेदिका जी कहाँ है साहिल? आई डोंट नो राइट नाउ, क्योंकि वो शो तो खत्म हो गया फिलहाल। बट यार मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सब फैंस का कि आप मुझे पिछले शो से भी याद करते हैं। वहां साहिल का किरदार निभा रहा था और यहाँ मैं नील का किरदार प्ले कर रहा हूँ, और काफी डाइवर्सिफाइड रोल्स हैं दोनों। आई होप नील को भी आप उतना ही प्यार दें जितना आपने साहिल को दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस तरह की परफॉर्मेंसेज आप सबके सामने ले आऊँ जिससे आपको काफी वो परफॉर्मेंसेज जो काफी इम्पैक्टफुल रहे, जिससे आई थिंक आई कैन क्रिएट अ डिफरेंस एंड मे बी यू नो हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर न्यूएंसेस अबाउट इमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट। धर्मेश राठौड़ हाँ मेरे ठीक भाई, मेरा जिम है, ट्रेनर, सो सो थैंक ब्यूटीफुल, थैंक यू। चाहत को नहीं, मुझे बोल रही ना, सो सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। जगमीत, व्हेन विल आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, आई एम अ यू बिग फैन ऑफ यू एज वेल। तोहिद भाई, खाली प्रतिभा को हेलो बोलोगे, मुझे हेलो नहीं बोलोगे क्या? अब तुम मुझे बोलने दोगे तो मैं बात करूं सबसे चलो 2 2 मिनट प्रतिभा बात करेगी, फिर मैं बात करूंगा। प्रतिभा स्टार्ट। ना। हाय, तो पहला क्वेश्चन था कि हम कुर्बान हुआ कब से वापस शुरू हो रहा है। गाइस जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हम एकदम से शूट शुरू कर देंगे एंड वी विल बी बैक। मुझे खुद शूट करना है क्योंकि मैं घर पर बैठ बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ एंड आई वांट टू शूट। नील को भी शायद शूट करना होगा, करना है नील? ऑफ कोर्स, ऐसा कैसा समर यस, परफॉर्मेंस है?
और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वापस शूट करने के लिए, टू कम बैक. हम बहुत ज्यादा खुश है. जिम मसल्स, आई क्योंकि वी पहली लव बार यू तुम सो मच. मुझे मुझे वी लगा लव यू. तुम ऑडियंस को काफी बोर कर रही हो प्रतिभा, अभी मैं जरा सवाल का जवाब दूंगा। ये मेरी लाइव वीडियो है, तो मैंने तुम्हें ऐड किया है. तुम्हें थैंक यू मुझे फॉर ऐडिंग मी. ठीक है करण, यू शुड से थैंक यू सो मच तुमने मुझे ऐड किया है. थैंक यू टू द फैंस एंड द फ्रेंड्स हु हैव कम लाइव ऑन योर वीडियो, जिसके वजह से तेरा वीडियो अभी तक एक्टिव है, जिसके वजह से ऑब्वियसली तूने मुझे हाँ, ऐड किया है। अगर वो नहीं उसके आते लिए तो तो आया. तू हम लाइव उसके लिए तेरा आया लाइव हूँ. वाला थैंक यू, पर मैं तुम्हें बोल रही हूँ अभी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ. Tell us your favorite निहत moments. मेरा favorite निहत moment वो था जहाँ मैं उसको रस्सी से बांधता हूँ माय गॉड, और घसीटता हूँ। नहीं, दैट I think one of my good moments was when she is when चाहत is जब चाहत मेरे घर पे और वो प्रेयर्स कर रही है। चाहत इज अ मुस्लिम ऑन द शो, नील इज अ हिंदू। चाहत प्रेयर्स कर रही है और मैं 2 मिनट के लिए जब उसको ढूंढने जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ और उसको देखता हूँ कि यू नो देयर्स दैट उसमें उसके अंदर वो इनोसेंस है। बहुत एक अलग ही ऑरा है जब वो प्रे कर रही है। तो वो जो मोमेंट था वो काफी क्यूट सा, अच्छा सा कैप्चर हुआ था। तो आई थिंक दैट वाज अ नाइस मोमेंट, भले वो 4-5 सेकंड का मोमेंट था, लेकिन दैट वाज अ नाइस मोमेंट। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आगे आएंगे, आपको पता चलेगा कि हम हमारी शो की शुरुआत भले ही एक एक डार्क नोट पे शुरू शुरू हुई हो, कि नफरत है, एक दूसरे की तरफ हेट है। सो बेसिकली अ हेट स्टोरी ऑफ लव, अगर मैं कहना चाहूँ तो हमारी कहानी ऐसी है। बट या हमारा राजस्थान से बहुत सारा प्यार आपको, मुंबई से आपको उससे भी ज्यादा प्यार, लेकिन मैं आपको फिलहाल हग नहीं कर पाऊंगा, गले नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ रहा है। प्लीज आप सब भी सोशल डिस्टेंसिंग करें. यस, आप सब करें सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन मैं लोगों से जानना चाहता हूँ कि लव योर शो, यू लुकिंग वेरी क्यूट। यार मैं क्यूट हूँ ना दाढ़ी के साथ, के प्रतिभा क्यूट है दाढ़ी के बिना। या हमें ये समझ नहीं आ रहा है कमेंट्स किधर जा रहे हैं. हाँ हाँ यार, ब्यूटीफुल सोल करण फ्रॉम लव फ्रॉम नेपाल, आई नील, नो आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, लव टू यू फ्रॉम मुंबई। नील वेर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम देवप्रयाग। देवप्रयाग से हूँ कि कहाँ से हूँ यार? देवप्रयाग से हो ना? हाँ बिल्कुल देवप्रयाग से देवप्रयाग. हूँ, देवप्रयाग उत्तराखंड। आप इंस्टा पर कभी रिप्लाई नहीं करते यार, सॉरी अगर मेरा कहीं मिस हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बात कर सकूँ कर सकूँ। एक्चुअली होता है ना, मैं बहुत लंबे लंबे पोस्ट डालता हूँ तो बहुत ही उसके लंबे बाद बहुत पोस्ट. थक जाता हूँ मैं लिखते लिखते, तो गिव अप कर देता हूँ मैं। लव फ्रॉम शिमला करण, लव टू यू टू प्रतिभा रांटा न्यूज, लव टू यू टू एज वेल। थैंक यू गाइस, हेलो हेलो, प्लीज कॉल माय रियल नेम लाइफ में बहुत अच्छे चारू हो. वर्मा। लव फ्रॉम कश्मीर, आई लव थैंक यू. कश्मीर, आई लव कश्मीर। आई वाज देयर इन द तुम मंथ ऑफ कश्मीर में ऑगस्ट, गया था ना, ओके. मुझे लगा लव तुम इट। ऐसी हवा में बोल रहे हो. नहीं गया था, मेरे पास फोटोज है, प्रूफ है मेरे पास। हाँ ठीक है मान गई. और क्या क्या सवाल आ रहे हैं लोग, लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जानते हैं ना हमारे सीरियल का नाम क्या है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे सीरियल का नाम क्या है, अगर आप बता दे तो अच्छी अच्छी बात या हमारे सीरियल का नाम पता ही होगा, आई थिंक सो सबको पता है. है। नहीं लेकिन फिर भी मैं मुझे जानना जरूरी है, मैं थोड़ा इनसिक्योर हूँ चीजों को लेकर लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त और जो यहाँ है मुझे बताएं कि मेरे सीरियल का नाम क्या है। तो क्या है मेरे सीरियल का नाम? अभी भी रिप्लाई नहीं करता. कुर्बान हुआ फर्स्ट. ओह यस, कारण फैन गर्ल, कारण फैन गर्ल, कुर्बान हुआ, कुर्बान हुआ। यस, 3, 4, सायरा फोर फाइव लव यू डार्लिंग। हाय, सिक्स. 6 तो कुछ और ही था, कुर्बान हुआ। समवन इज राइटिंग. आई लव योर पर्सनैलिटी प्रतिभा, यू आर सो अमेजिंग, द वे यू एक्ट, द वे यू डू एवरीथिंग। ओह माय गॉड, यू आर सो अमेजिंग प्रतिभा। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट गाइस. थैंक यू सो मच. आपको टैग करके तो स्टोरी डाली कुर्बान थी, हुआ, कुर्बान कुर्बान, हुआ. यस नॉट बैड यार, हमारे शो का नाम कुर्बान हुआ है। ओके दैट्स ऑसम, लव फ्रॉम जम्मू, लव फ्रॉम मुंबई, कुर्बान हुआ। यार अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि हमारा शो कितने बजे आता है जी टीवी पे?
ये एक टेस्ट क्वेश्चन है, कितने बजे जी टीवी पे आता है? देखते हैं तो क्या लगता है प्रतिभा, कितने लोग सही जवाब देंगे? तो आई थिंक सब सही जवाब देंगे, मैं प्रतिभा पता से है सबसे पहले सबको। पूछता हूँ, प्रतिभा हमारा शो कितने बजे आता है? 10, 10 what? लेट्स सी बाबू, 10 PM, 10 what, ओके, 10 PM, दैट्स नाइस, दैट्स बजे, 10, दैट्स नाइस. 9:30 गलत जवाब, देखा किसी ने 9:30 टेन बोला, नाइन थर्टी थर्टी हमारा शो नहीं आप आता यार. लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। 10 बजे, टेन पी दस बजे, 10 बजे, 10:30, नो नो इट्स नॉट 10:30, 10:30 मेरा प्रीवियस शो आता था आपके आ जाने से बहुत पहले. हाँ हाँ शायद वो उसका रिप्लाई कर करेक्ट रहे। लव गाइस, यू करेक्ट बोथ। गाइस. टेन कैसी है, बढ़िया है ये, अमेजिंग अमेजिंग. ओके तो मेरा अगला सवाल ये है आप सबसे कि प्रतिभा को मैं किस नाम से बुलाता हूं शो पे? चाहत तो है लेकिन उसके अलावा मैं उसे कुछ और भी कहता हूं. डू यू कॉल मी दो वर्ड समथिंग? है, वो दोनों वर्ड मुझे खुद शुरू नहीं होते पता हैं, था ना। वो दोनों वर्ड्स शुरू होते हैं एस से. कम ऑन गाइस, मुझे खुद नहीं पता तुम क्या कह रहे मैं थे। चाहत को शो पे किस किस दो वर्ड से बुलाता हूं? रेड हॉट. क्या रेड हॉट क्या होता है? तो मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग सोचिए आराम से. करेक्ट, शाकिनी रॉय, ओह शेजवान सॉस, माय गॉड, यस। शेजवान सॉस. गुड जॉब, और गुड जॉब. मैं नील को क्या कहती हूँ? वो नील से क्या कहती है? वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है क्योंकि वो डॉक्टरी में से एक बट डॉक्टरी से है. सम स्टिल एक थोड़ा सा कोई बोल रहा किसी है और सम, कुछ। कोई बोल रहा है सम सॉस, शेजवान सॉस. यस, शेजवान सॉस, करेक्ट. प्रतिभा यस, सेफाल जिया, करेक्ट. ओ या झील, झील सर, एट, झील, झील 86 ने बोला है सेफाल जिया. झील, आयुषी आल्सो सेड फाजिया, ऑसम. अंकित ने आयुषी, भी बोला। झील, आई होप यू गाइस आर वाचिंग आवर शो. या इट कम्स एट 10 PM ऑन सी टीवी. फिलहाल तो हम रिपीट टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, कोई दूसरे शोज का, नए शोज तो दिखा रहे हैं, अभी लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारा शो शुरू होगा आप सब भी हमारा शो देखेंगे 10 बजे. सिफाल जिया, सिफाल जिया, करेक्ट. कुर्बान हुआ 78. गिगली गिगली गिगल, हाय. अर्पिता, हाय. करण मुनिया, हाय. अनुबी, माय आईज, योर आई नो आई गॉट वेरी नशेली आईज. आई, आप कौन? ममता त्यागी, हेलो. धड़कन 1213, हाय डार्लिंग. थैंक यू सो अभिलाष मच। कुमार, हाय ब्रो, हाय हैंडसम. अभी नहीं मैं सडनली क्या, सडनली ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिभा का लाइव नहीं, मेरा लाइव. हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तुम आए और तुम बोलते गए, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। अच्छा, अभी प्रतिभा आप सबसे बात करेगी थोड़ा बहुत. यस गाइस, यस हाँ गाइस, अभी मैं आपको ओके सो बताऊंगी कि मैं नो योगा, अभी को योगा पोज करके दिखाने वाली हूँ. नो, आई एम डन विद योगा नाउ, आई एम डन विद योगा। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जो अभी जी टीवी स्ट्रीम कर रहा है बारिश हम पांच DID, तो आप लोगों का फेवरेट कौन सा उनमें से? क्योंकि मेरा तो फेवरेट DID है। करण तुम्हारा? मेरा फेवरेट कुर्बान हुआ है. पर जो अभी स्ट्रीम हो रहा है और राइट नाउ सो बारिश, बिकॉज इट्स डायरेक्टेड बाय वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स हुज डायरेक्टेड मी बिफोर, नंदिता मैम. तो डेफिनेटली, एंड एट द सेम टाइम हम पांच इज समथिंग मुझे याद है कि मैं अपने दादाजी के साथ बहुत देखता था, और वो मेरे को काफी क्वर्की कॉमेडी शो है. तो बारिश और हम पांच फॉर श्योर. ओके एंड अब मैं ऑडियंस ऑडियंस जो भी हमारे फैंस हैं उनसे पूछती हूँ, आप बताइए, लेट्स सी ये क्या लोग क्या पूछ रही देख है रहे हैं, ऑडियंस से, क्या पूछ रही है? कि अभी कौन से शोज देख रहे हैं वो जी टीवी पे। मैं जरा पानी लेके आता हूँ, 1 मिनट. ओके
आई एम वेटिंग. प्रतिभा दी, आपकी आईडी में उतने इतने कम फॉलोअर्स? या बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड इसलिए मेरे इतने कम फॉलोअर्स हैं अभी. गाइस फॉलो मी, प्रतिभा कारण को हम प्लीज सब आपको फॉलो कीजिए। प्रतिभा गाइस आप लोग देख नहीं रहे हो, मुझे मेरे नहीं क्वेश्चन नहीं का आंसर नहीं अरे मिला. क्वेश्चन के बारिश आंसर्स आ रहे की ना। वन, मुझे लेट दिख रहे हैं. बारिश, एक ने बारिश कहा. ओ एम एफ जी शी एक्चुअली सेज वी वॉच नेटफ्लिक्स ऑल डे लॉन्ग डूड ऑफ कोर्स मनी हाइस्ट बट ऑन जी टीवी राइट नाउ। डीआईडी और हम पांच. ओके नाइस, तो चेहरा बता. रामायण इनफैक्ट 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 आप सबको पता होना ओए चाहिए कि रामायण ने सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए आई थिंक सो जहां तक मैं जानता हूँ टीआरपी मेरी चार्ट्स पे। फैमिली रोज रात को बैठ के साथ में रामायण देखती है. इट्स लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर, जब पूरी फैमिली साथ आके रामायण देख रही है. विवान इज मिसिंग बॉबी ऑल द टाइम वाला बोला तो कुर्बान हो। लेकिन नहीं हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस समय मतलब फिलहाल जो चालू है शोज फिलहाल जो शोज आ रहे हैं उसमें से सब उसमें से कौन से शोज देख रहे हो आप जी टीवी पे। डीआईडी ओफर्ड रामायण इज द टॉप नाउ करेक्ट। जिंदगी की महक यस दैट वाज अ शो ऑन जी टीवी करेक्ट। हाय रहमान हाय चिराग इन जी टीवी डीआईडी हाय सिमी सिमी डीआईडी. सिमी 94 तेरी बहन है क्या वो। नो यार, नाइनटी फोर ओके नहीं. ओके मुझे एक बात बताओ ये मुझे एक बात बताओ कि हम पांच वाला जो शो है उसमें से आपका फेवरेट फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। आई एम श्योर हम पांच काफी आइकॉनिक शो है हम सब देखते थे खास करके हमारा परिवार भले देखे या ना देखे लेकिन हम तो देखते ही थे। उसमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। हम हम पांच डांस में के से डांस हाँ करते लेकिन हम पांच में कबूल भी नहीं. ऑफ कोर्स हम पांच में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। स्वीटी ओ यस स्वीटी स्वीटी मुझे बोला कि प्रतिभा को बोला कि वो कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ठीक है कैरेक्टर कैरेक्टर स्वीटी। यू बोथ कुर्बान हुआ. रिपीट स्टॉप नाउ. हाँ अभी फिलहाल वी मिस यू गाइस, वी मिस सॉरी यू मैंने उस गाइस. शो का ज्यादा फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं लेकिन आप हो सके तो प्लीज हम पांच देखिए। अब आई या थिंक इट्स कमिंग एट अब 12 आई थिंक इट्स कमिंग एट 12 PM राइट। आई डोंट नो. या आई गेस क्या इट्स कम. तो जी टीवी का पेज फॉलो नहीं करते क्या प्रतिभा खाली लाइव होती तो तभी आती क्या आई एम जी नॉट टीवी के श्योर पेज अबाउट द पे। टाइमिंग. आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग, और मैं गलत टाइमिंग बताना नहीं चाहती. सच अ शेम। मैं गलत टाइम बताना नहीं आई चाहती. लव हाउ यू आई डूइंग हाय प्रणाली हाउ यू प्लेड बाय स्वीट राखी। कम. हाँ आई थिंक एवरीबडी इज क्या बोलते हैं एवरीवन लाइक स्वीटी बट आई थिंक आई लाइक काजल भाई यू नो काजल भाई है ना वो हुज विद द कैप। लवला मींस रिप्लाई. जहां तुम भी बात करो यार तुम्हारा लाइव है ये मेरा लाइव नहीं है। हाँ मैं पढ़ रही हूँ. व्हाट क्या लिख रहे हैं ये सब. साया हीरा नथिंग हाँ आई एम जस्ट नील सिटिंग एट फैन, होम साहिल साहिल योर फैन. अब प्लीज नील के फैन आ जाओ. यार मेरे को हेलो जहां तक हाय. चाहत के और फैंस हैं नील के कम फैंस हैं क्योंकि नील ने हमेशा मेरे ख्याल से सिर्फ चाहत पे अत्याचार किया है लेकिन उसका एक रीजन है उसका एक या रीजन उसके है जो नील पीछे जैसा उसके पीछे एक रीजन है वरना नील ऐसा है नहीं आपको आगे चल के पता चलेगा। ओके सो यू गाइस आई गुलाबी. हम पांच इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट फेवरेट शोज इट्स कमिंग एट 12 PM ऑन जी टीवी। आई होप यू गाइस डोंट मिस दैट शो आउट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शोज
जो जी टीवी पे कभी एयर हुआ है, एंड अगर जी टीवी उसे वापस लेके आ रहा है तो ऑफकोर्स ये सोच समझ के लेके आ रहा है कि वो शो ने रेटिंग्स और टीआरपी चार्ट्स फाड़ दिए थे. तो 12 बजे दोपहर में जी टीवी देख रहे हम 5 गाइस. क्योंकि जब मैंने नील इज स्पेल्ड इट्स प्लीज NEEL. हाय चाहत हाय दोनों ओके राइट नो. के मैं फैन अभी अभी ये जानना चाहता हूँ कि कौन नील के फैंस है और कौन चाहत के फैंस है. हो जाए लड़ाई यहाँ. ओके लेट्स सी चाहत के फैंस कौन है और नील के फैंस कौन है बताइए. चलो पहले हम नील के फैंस काउंट करते हैं। नहीं 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 काउंट करने की बात नहीं है. जिसके सबसे ज्यादा नाम आएंगे नील या चाहत. नील या चाहत नील के चाहत नील के चाहत. मैं जानता हूँ आप सब नील बोलने वाले, तो मैं पहले से रेडी हूँ तालियां मारने के लिए. नील के चाहत नील के चाहत नील के चाहत नील के चाहत नील नील देख शुरू हो गए में नील 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 नंबर थर्ड नील नील यस नील. अरे अरे कौन नील नील कहाँ है चाहत. हाँ चल ठीक है एक चाहत आ गई कोई बात नहीं. कोई नील नील ही नील है हर जगह यार. तू तो दूर दूर तक नहीं है चाहत. कोई बात नहीं मैं भी आ जाऊंगी मेरे को नहीं लग रहा जहां तक मुझे लोग. हाँ ठीक है चल आ गई चाहत आ गई. चाहत एक और आ गई. बाप रे हाँ मैं चाहत फैन. बाप रे ऐसा नहीं हो सकता यार. नील 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 यस नील. कम ऑन नील कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस. निहत करेक्ट. आई लाइक दिस वन. इस आंसर का मैं सबसे ज्यादा वेट कर रहा था. निहत या वेल डन. कौन है ये जिसने कहा कपिल रेडी गुथा ब्रो यू आर द मैन. यू आर द मैन ब्रो यू आर द मैन. हाय फ्रॉम इजिप्ट. हेलो आई दोनों फ्रॉम के इजिप्ट. फैन. हाउ द पिरामिड्स डूइंग देयर साया नील. हीरा. ओके अब मैं समझ गई हूँ. इट्स नील नील नील. इट्स नील इट्स नील. लेकिन चाहत बहुत ही इनोसेंट है बहुत ही बबली है. अब चाहत आ रहे हैं. अब चाहत चाहत मुझे सडनली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. लाइव चैट कहाँ हो रहा है भाई. या वेरी फनी शेफ नीलकंत भट्ट बयानी धड़कन प्रणाली नील हेलो साहिल अनिल. ओ यार टू आइकॉनिक कैरेक्टर साहिल अनिल. व्हाट्स योर नेम. चाहत 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 यू सो क्यूटी. ओह माय गॉड चाहत स्माइल इज सो नाइस. थैंक यू सो मच. सरस्वती फिर से जिंदा फिर होकर आएगी क्या यार. टीवी शो है कुछ पता नहीं क्या हो सकता है इसमें. कभी भी आ जाए. तो आप हमारे एपिसोड्स देखते रहिए और खुद से बताइए क्या लगता है आपको आएगी कि नहीं आएगी. आपको क्या लगता है लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए. सरस्वती को वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए. आई मीन मर तो चुकी है वो लेकिन टीवी है तो हम थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम ले लेते. वापस आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए. मे भी ऐसा हो सकता है कि हमने दिखाया हम हाँ हमने दिखाया ना कि उसके एशेस को भी हम पानी में डालते हैं बाद में. तू नहीं आएगी आई एम सॉरी. वो नहीं आने वाली. कोई पूछ रहा है ऑल अबाउट अपर्णा इज आस्किंग यू फेवरेट डांसर. माय फेवरेट डांसर. ओके सो अगर मैं जी टीवी से बात करूं तो शक्ति मोहन. शी इज अ ब्रिलियंट डांसर. शक्ति कुंवर अमर धर्मेश. ओ माय गॉड दीज गाइज आर अमेजिंग. तो भी आप इनको DID Season 2 पे फिर से देख सकते हो. वॉच देयर डांस अमेजिंग. बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेज है. बहुत ही ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंसेज. जहां से मैंने सोचा था ओ यस मैं भी डांस करती हूँ. इस बात पर मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सब जानते हैं मेरा फेवरेट एक्टर कौन है. इसको नहीं पता होगा. मेरा फेवरेट एक्टर कौन है गाइस. एनी गैसेस. एनी गैसेस. फेवरेट डिश. गैसेस. मौलिक 90 व्हाट्स अप बारी.
करण भैया इज अ गुड डांसर। रणबीर कपूर। करेक्ट। और मेरी फेवरेट ओह एक्ट्रेस, या ये शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा वैसे, या हाँ, ये क्यों इनको नहीं पता होगा, आई एम श्योर। क्योंकि आई एम नॉट लाइव फ्रॉम माय पेज नाउ। ऋतिक रोशन एक्ट्रेस, रणवीर अच्छा सिंह इज ऑल्सो तुम्हारी मैन। रणवीर सिंह इज ब्रिलियंट। खड़ा हूं कैसे मैं यहाँ पे, अपने पूछना दर शायरी में तुझ चाहिए सबूत क्या, शिकरे सोच पर जुड़ा हूं मैं जमीन से, यकीन तुमको ना पर आ गया आया मैं यकीन से, लाख नफरत हो सा तमा का प्यार है, हंसी है सेकंड उसकी जीत मेरी, कैसे जाओ हार मैं, काट लो जुबां आंसुओं से गाऊंगा, गाड़ दो बीज हूं मैं पेड़ पर ही जाऊंगा, दिल तक टूटा था हिप हॉप मेरे साथ था, उजाले मिलने में मुझे हर रात का ही हाथ था, कलाकार मैं कल को आकार दू यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना, वाह रब मेरी गली है मेरी माशुका, लड़का एरा में झुकाने पर भी ना झुका, सुन रहे जो मुझको बेशुमार प्यार अच्छा था, उनसे, बना था गीत मैं भरने कुल हमें बनाओ पता है तुमसे। तुम बहुत अच्छा गाते हो, हमें पता है गाइस। मैं 24/7 सेट पे करण का ये रैप सुनती रहती हूँ, और क्योंकि एक यार वीडियो भी है इसके इंस्टा हैंडल पे, देयर इज अ वीडियो जहाँ पे पूरा इन्होंने रैप परफॉर्म किया जब हम उत्तराखंड में प्रमोशंस के लिए गए थे। चाहत हाँ अभी किया तो किया। दीपिका पादुकोण, या शी इज नाइस, बट मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, इट्स कंगना गाइस, कंगना। किसी को पता नहीं था तो मैंने बता दिया। कंगना आर्यमन, आर्यमन कोई एक बोल रहा है, आर्यमन यस, आर्यमन फ्रॉम वाज फ्रॉम दैट शो कॉल्ड कैसी है यारिया, व्हिच वाज अनदर आइकॉनिक शो विद अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु इवेंचुअली एंडेड अप हैविंग अ ब्रिलियंट करियर। हाय, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। हेलो, हाय, हाउ आर हेलो यू? उत्तराखंड से, उत्तराखंड में कहां से हो यार? महक महक महक, मिस यू लव, मिस यू सो मच। महक इज माय सिस्टर फ्रॉम पूना, एंड अनफॉर्चुनेटली छुट्टी तो है लेकिन मैं पूना नहीं जा पा रहा क्योंकि लॉकडाउन है, बट प्लीज उसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। महक मैक्सी। प्रतिभा आपको तो यार इसमें सारा ऊपर जा रहा है, वेट। प्रतिभा कोप अप नहीं कर पा रही, इतने लोग मैसेज कर रहे हैं। प्रतिभा आपको लीस्ट विंस का डांस कैसा लगता है? ओ गाइस, जितने भी इंटरनेशनल डांसर्स हैं मुझे सबका डांस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैट स्टेफेनिया इज माय फेवरेट कोरियोग्राफर, एंड ऐसे तो बहुत सारा है। अगर मुझे नाम लेना हो आई कैन नेम मेनी, बट सबका अब अपना डांस फोटे हैं, सब अपने उसमें बहुत ही अच्छे हैं। देयर इज अ गर्ल केसी राइस, शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग। सॉरी गाइस मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन है डांसर, या बट आई एम तो श्योर दीज गाइस आर अमेजिंग। जैसे चाहत कहती है कि कारण यू अमेजिंग, तो आई एम श्योर मैं अमेजिंग हूँ, तो उसी हिसाब से अगर वो डांसर्स अमेजिंग हैं तो वो मुझे लगता है मैं अमेजिंग करण को अमेजिंग हैं। कहूंगी, ऑफ जो कोर्स अभी ऑफ अभी कोर्स। चाहत के साथ कर रहा है वो सब कुछ होने के बावजूद मैं अमेजिंग कहूंगी, मैं कभी ऑफ अमेजिंग नहीं कोर्स कहूंगी। अंदर ही अंदर चाह चाहती थी कि उसे दर्द पहुंचाया जाए, ओ माय गॉड, तो वही हुआ है। मनसी आई लव यू गुजर प्रतिभा, हाय। आई लव यू टू। हे अरे गाइस, हेलो फ्रॉम पाकिस्तान। हाय, माय कैसे माय मॉम इज आल्सो ऑनलाइन। कर रहा है? हाय योर मामा, मॉम, शी हेलो से हेलो हेलो। आंटी, अभी मेरी मम्मा कुछ 15-20 मिनट लेगी एक नया मैसेज करने को। साहिल सर सर आपका एस एस सी एल शो मुझे बहुत, थैंक यू सो मच, सुहानी सी लड़की वॉज ऑल्सो नाइस शो, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, आई लव यू ऑल्सो मच। मॉम इज सेइंग हाय डियरी। प्रतिभा, मैं कम वीडियो कॉलिंग में बैठ, ओके व्हाट्स योर एज? आई एम 19 गाइस, मैं 19 साल की हूँ। करण यू आर अ जेम आई नो दैट, सॉरी किडिंग बट या करण मुझे रिप्लाई नहीं करते, हमदान सा। चीयर्स भाई, चीयर्स भाई। थैंक यू, हेलो हाय, अभी सब हमें हाय हेलो लिखा। यप ओके गाइस, आई थिंक यू वांट टू गो ऑफलाइन और यू वांट टू कंटिन्यू। नो, आई विल गो एक
I'm like from 1 hour. I'll go ऑफलाइन. ओके कूल, लेट्स बाय बाय. सबको अच्छे से बाय यस। करते हैं. मनाली, आर यू ऑनलाइन? आर यू वाचिंग मी लाइव? व्हाट्स अप? व्हाट शुड बी डन? ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज। लेट मी चेक अगर मुझे आया हो. नहीं कुछ भी नहीं आया. प्लीज आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। से माय अभी तो हाय नेम. बहुत सुधीर माखीजा, हेलो नाम सुन केजे लव मेट, हाय रहे सखनी रॉय, बाय। अरे हमने बाय बोला ही नहीं, तुम लोग बाय बोल हैं. रहे हो यार। क्या यार, हम तुम लोग पूछ चाहते हो कि सकते हम लोग जाएं बात क्या? करना चाहिए. प्रतिभा कोई पूछ रहा है, हैव यू फिनिश्ड योर ग्रेजुएशन? No, I'm doing my graduation. I'm doing BA in filmmaking from UPG, Usha Praveen Gandhi College. Wow, oh my Yeah, I'm God. just 19. I'm in my first year. Hello. मैं डाइट, Don't go. ओके कूल कूल कूल। Young. I love you, Pratibha. I love you too, guys. आपका नाम क्या है? लॉट ओए ऑफ प्रतिभा, लव. टेल मी, टेल यस मी, टेल मी ऑफ यू। यस, क्या तो इतना रूडली नहीं? जी जी बोल। शट अप. बोलो बोलो क्या बोलना है तुम्हें. ओके, तो देयर्स अ डिमांड ऑफ अ क्वेश्चन आंसर अराउंड दैट वी शुड आस्क ईच अदर। ओके थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट मी एंड थिंग्स दैट यू हेट अबाउट मी एज करण। एज करण. अभी तो सिर्फ हेट ही हेट होगा, और क्या? हाँ अभी तो सिर्फ हेट ही हेट है. एज अ नील भी सिर्फ हेट ही हेट है. बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे क्या अच्छा लगता. देखो मुझे अच्छा तो कुछ लगता नहीं है बीइंग वेरी ऑनेस्ट. कुछ मुझे सच में कुछ अच्छा नहीं लगता है. और मुझे बुरा क्या लगता है. डैमेज, बुरा भी कुछ नहीं है. अच्छा ये है कि यू आर अ वेरी नाइस पर्सन. मैं ज्यादा तारीफ करना चाहती नहीं हूँ. बट यू आर अ वेरी नाइस पर्सन. यू आर अ वेरी सपोर्टिव पर्सन जिससे तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो इन माई जर्नी. मैंने भी शुरू ही किया है. बट द वे यू स्टैंड बाय माय साइड इट्स वेरी नाइस. थैंक यू फॉर दैट. ओके। अभी ये सवाल का जवाब मुझे भी देना। ओके सो थिंग्स दैट आई रियली लाइक अबाउट प्रतिभा आर, ये सब आंसर्स हाँ मेरे, इतना टाइम क्यों लग रहा सोचने में? बट मुझे एनीवे आई शॉक भी नहीं लग थिंक रहा कि मुझे सो प्रतिभा, मैं आप सबको बता दूं, मेरी सीनियर है एक्टिंग डिपार्टमेंट ओह में। माय गॉड करण यू स्टॉप इट. तो वो बहुत पहले से थिएटर कर नहीं वो बहुत पहले मैंने से थिएटर करते आई है, विच इज ग्रेट। एंड उस वही चीज मुझे बहुत पसंद है कि जब वो सेट पे आती है, जब वो सीन में आती है, एक वो कोशिश करती है कि कुछ नया लेके आए सीन में। शी ट्राइज टू, शी डजंट ट्राई टू, इनफैक्ट शी गिव्स हर 120%। और दैट्स अनदर थिंग आई रियली लाइक अबाउट दैट शी इज वेरी इनोसेंट एंड शी इज वेरी अफेक्शनेट एंड लविंग। आई थिंक ये एक पहाड़ी का ट्रेट होता है कि उनके अंदर बहुत, उनका दिल बहुत बड़ा होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और तो ये सब क्वालिटीज हैं उसमें कि वो बहुत अफेक्शनेट है। अगर आपसे पहली बार मिलकर बात भी करेगी तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो कोई स्ट्रेंजर है या कोई अनजान इंसान है। सो दैट इज समथिंग ग्रेट। और एक अलग ही वाइब है उसकी, बहुत ही अफेक्शनेट वाइब है। शी इज अ वेरी स्वीट सिंपल गर्ल हु इज कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। एंड बाप रे, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने तो। सो या मतलब मैं हूँ अच्छी. अ फ्यू थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट प्रतिभा इज दैट शी इज वेरी क्लम्जी। कभी कभार बहुत क्लम्जी हो जाती है वो उसको एक चीज अपने बारे में बदलनी चाहिए कि शी शुडंट बी सो क्लम्जी, शी शुड बी वेरी अटेंटिव ऑल द टाइम। और ओके हालांकि उसका पहला शो है, सो दिस इज व्हाई एज अ को एक्टर एंड अ फ्रेंड आई वांट यू टू डू अमेजिंग। ओके, सबका पहला शो एक अपॉर्चुनिटी होती है टू जस्ट एक्सेल, टू डू अमेजिंग। तो ये अपॉर्चुनिटी तो दे दी गई है, तो जस्ट मेक फुल यूज ऑफ इट। ओके, एंड यस डोंट बी आई क्लम्सी एंड गिव इट ऑल दैट यू हैव। आई मीन आई डिड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऑन माय लास्ट शो आप क्या जाने से, एंड इट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन पीपल्स माइंड्स व्हिच आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। दिस इज योर चांस आउट हियर टुडे।
या बट देन एक और अच्छी चीज इसके बारे में ये है कि शी डजंट इट डजंट सीम लाइक शी इज ऑन अ फर्स्ट शो. शी डजंट ऐसा लग नहीं रहा कि वो डेब्यू कर रही है एक्टिंग इंडस्ट्री में टीवी के सामने. तो आई थिंक दैट्स ग्रेट एंड बहुत बकवास हो गई उसके बारे में. बस हो गया. नाउ ओके टेल मी, अच्छा. खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? वैसे मुझे पता है, बट फॉर द पीपल. खाने में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पास्ता एंड पिज्जाज एंड पनीर. आई लव एंड इट. फ्राइड राइस. फ्राइड राइस तो हाँ फ्राइड राइस यार. ओके. इनफैक्ट इनफैक्ट मेरे को कोई कंप्लेन्स नहीं है. खाली करेला छोड़ के मैं बाकी सब कुछ खाता हूँ यार. ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं खाऊं. आई आई एम नॉट सरप्राइज लव करेला. बट आई थिंक या चिकन. अभिलाष ने बोला है, अभिलाष मेरा दोस्त है, उसने कमेंट किया, बोलता चिकन ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. और मैंने वही अभिलाष को खिला खिला के उसको मोटा किया है. अभी मुझे व्हाट्सएप करके गाली देगा वो. बट हाँ, व्हाट अबाउट यू प्रतिभा, व्हाट डू यू लाइक ईटिंग? ओ प्रतिभा, आप सबको बता दूं कि वेजिटेरियन है. मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई मेरे सामने नॉनवेज खाए, इट्स ओके. बट मैं खुद नहीं खाती हूँ. और मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, वैसे मुझे पहाड़ी डिशेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पर मुंबई में वो नहीं है तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ. वन थिंग आई रियलाइज्ड, जब से मैं अपनी फैमिली से अलग हुई हूँ, मतलब खुद से रह रही हूँ, खाने में मुझे कुछ भी दे दो, आई कैन ईट एनीथिंग. मुझे मेरे टैंट्रम्स थे घर में कि मुझे ये नहीं खाना है, ये खाना है. अब मुंबई में इट्स लाइक कुछ भी दे दो, आई ईट एवरीथिंग. आई गेस मैं इस चीज में थोड़ी मेच्योर ग्रो हो गई हूँ खाने के मामले में. ओके okay. ज्यादा मुझे पता है कि ये सेट पे सिर्फ सुबह आके इडली खाती है और उसके पराठा, बाद नहीं, रोटी सिर्फ एक नहीं खानी पड़ती है, दो तीन खानी पड़ती है. आई लाइक पराठा ऑल्सो, पर पराठा खाया ये कहाँ से नहीं. लेके आऊँ मैं तुम्हारे लिए? कहाँ से लाऊँ तुम्हारे लिए पराठा? आई लाइक रेड वेलवेट केक. कहाँ से लाऊँ तुम्हारे लिए केक? जन्नुम से भी लाना हो ना तो ले आना. अरे यार अजीब चेप हो तुम. मेरे पास फिजूल का समय नहीं है तुम्हारे लिए. जब तक मेरा केक नहीं आएगा ना, मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगी. पर अब हम बहुत टाइम से लाइव वीडियो पे हैं. चलेगा, अच्छी बात है ना यार, हमने इतनी ऑडियंस बना के रखी है, हमारी टीआरपी अच्छी यस. है. माय फेवरेट को एक्टर. बाद में बताऊंगा. नहीं बता दो, नहीं इट्स नहीं ओके. नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम बोल सकते हो. अभिलाष मेरा फेवरेट को एक्टर है, जो मेरे शो पे था, लौटा और तिरसा मेरा भाई बना था. और मैं बाद में बताऊंगा मेरा फेवरेट को एक्टर क्यों है वो. तो ठीक है, वो मत सर, वो बताओ. तुम्हें मैं से वो सवाल पूछ जो तुझे मैसेज आए. क्योंकि हाँ मैं वही देख रही हूँ. मेरे पास एक ही फोन है. हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है. ओके, सो नील तो असली में शेफ है, बट करण को कुक करना आता है? हाँ, मैंने उस दिन ही मशरूम्स बनाए थे इन बालसामिक सॉस, जो बहुत ही बहुत ही टेस्टी थे. और आई हाँ, डाउट, आई अभी डाउट, आई डाउट. डाउट, उसकी उसके पीछे की असली स्टोरी बताओ. मुझे भी डाउट था, लेकिन जब मैंने वो टेस्ट किया उसके बाद मैंने फिर से कभी नहीं बनाया. बट हाँ, मुझे पसंद है. सो बेसिकली नील जो है वो कैरेक्टर एक शेफ है शो पे. वो बहुत सारी चीज बड़े आसानी से बनाता है और कोशिश करता है, क्योंकि वो एक शेफ है और सबको खाना खिला के भी दिखाता है और सबको खाना बना के भी खिलाता है. तो एक्चुअली मुझे कोशिश करनी चाहिए घर पे कुछ बनाने की, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि सब जल जाएगा और फिर ओके, हु घर शुड भर कुक नहीं. बेटर, क्या हू सिंग्स बेटर लगता है? या From between you and me? ओके, यू Of सिंग course, समथिंग it's फॉर मे बी. मैं भी गा लूंगी, लाइक आई डोंट माइंड सिंगिंग. मुझे पता है मैं अच्छा नहीं गाती, बट इट्स ओके. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाना गाने में. you sing first. यू नो, फर्स्ट यू सिंग. Why? चलो ठीक है, मैं गाती हूँ. मैं कौन चलेगा सा तो गाना गाऊँ? अब चलेगा मैं गा तो रही हूँ. चलेगा. गा गा तू ही गा फिर, मेरे लिए भी तू ही गा. मैं गाना कौन सा गाऊं? सजेस्ट मी एनी सॉन्ग.
मेरे को क्या पता यार, मैं तो वही कहूंगा असली हिप हॉप से मिलाए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान नहीं को, सुन हाँ लो, जी हिंदुस्तान को, असली हिप हॉप से नो नो मिलाए रैप, हिंदुस्तान नो को, रैप, नो रैप, नो रैप, हिंदुस्तान नो को, रैप, हाँ नो जी रैप, हिंदुस्तान। अरे वन सेकंड, अ सॉन्ग इज अ सॉन्ग, इट कैन बी एनी पर्टिकुलर नो जॉनर। नॉर्मल क्या सॉन्ग, लाइक नॉर्मल, नो नॉर्मल नो सॉन्ग नो नो मुझे नॉर्मल नहीं, नॉर्मल सॉन्ग मैं सॉन्ग कौन मैं सा नहीं मैं बनाऊंगा यार। भी, आई मैं भी अच्छा नहीं गाती, पर मैं गा रही हूँ ना अभी, इट्स ओके okay. तुगा अच्छा ठीक है, मैं गाती हूँ, एक मिनट एक सॉन्ग सर्च कर लेती हूँ, अच्छा ये देखो, अरे बस देख रही हूँ बिकॉज मुझे दिमाग में नहीं आ रहा दिल है. है मुश्किल, ओके मैं गाती हूँ. अरे जब तक ये गाएगी पब्लिक ऐसे चली जाएगी। ओ गॉड, मुझे गाना, मुझे लिरिक्स याद नहीं है, मैं लिरिक्स को बहुत अरे तो ज्यादा ए, उलट फुलट एक एक करती काम हूँ. करते, एक काम करते हैं प्रदीप भाई, एक काम करते हैं, तू अभी घर पे है हाँ ना, कैमरा को थोड़ा पीछे ले और थोड़े एक गाने पे थोड़ा डांस करके 1 मिनट के लिए। नहीं, मेरा डांस करने का मन नहीं है. यू डांस, तेरा लूडो खेलने का मन नहीं है, डांस करने का मन नहीं है, डांस तो कर ले। मैं बहुत मूडी हूँ, मैं बहुत मूडी मैं डांसिंग में इतना खास नहीं हूँ यार, आई मीन आई ट्राई, लेकिन आई हूँ. ओके प्रिफर। मैं तुझे वैकिंग सिखाती हूँ, तुझे वैकिंग सिखाती हूँ, हाँ यू ठीक है, डू दैट. खड़े हो जाओ और कैमरा को साइड पे रखो, बैठ के भी हो सकता है, कीप योर हैंड्स दिस वे, ये ओ ना यू नो, रोल वेन एंड बैक, रोल रोल एंड बैक, बैक, या इसको फास्ट रोल करेंगे, एंड रोल बैक। एंड बैक, नॉट बैड. या तो ये वैकिंग के बेसिक्स होते हैं. बाप रे, रोल एंड बैक, वैकिंग सही है का सही है मेरा सही है। फेवरेट स्टेप है ये वाला, अभी देखिएगा नहीं, वो बहुत पीछे करना पड़ेगा कैमरा, बट इट्स बहाने पे ओके. बहाने, कोई इनसे सीखे कमाल मैं अच्छी के वीडियो, बहाने। क्या अच्छी वीडियो पोस्ट वीडियो करे डांसिंग तू, बस गाना गा, देख की. हमारे पास बहुत सारे लोग हैं लाइव जो सुनना चाहते हैं कि तू कैसे गाती है, जस्ट सिंग अ सॉन्ग है यार। ओके यू वेरी बैड, ये मैं आती हूँ. तेरे लिए मैं अपना गला ठीक करना, अरे एक गाना तो बता, मुझे गाना ही नहीं आ रहा है, तो मुझे लिरिक्स एक हद तक याद है, उसके बाद मैं भूल जाऊंगी, बट आई विल सिंग. मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा राउंड मार के आता हूँ बिल्डिंग में, जरा 15-20 मिनट उसके बाद मैं आता हूँ, तब तक तेरा शुरू नहीं हुआ होगा, तो मैं तब तक जरा जाके आता नहीं हूँ। मैं गाती हूँ, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स, ओ 2 मिनट हम प्रतिभा, तुमसे मांग रहे प्रतिभा, 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 हैं. हाँ, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल. ओ माय गॉड, बस अब मुझे लिरिक्स भी आगे याद नहीं इसके है. योर बाद टर्न. मैं विनती करता हूं कि लाइफ में कभी गाने की कोशिश मत करना, करना करना ऐसा, करना है, अरे करना, मैं कह रहा हूँ करना करना, कोशिश करना, करते मुझे सब बोलते हैं कि रहना डोंट सिंग डोंट सिंग डोंट सिंग, पर मैं फिर भी गाती हूँ. चाहिए। नहीं गाना चाहिए, गाना चाहिए, क्यों नहीं गाना चाहिए। ओके एनी मोर क्वेश्चंस? चलो अच्छा है, मेरा गाने वाला क्वेश्चन स्किप हो गया, कोई और सवाल है अमेजिंग हमारे? प्रतिभा, थैंक यू सो मच, तो ऑसम. या पता है, पीपल लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी आवाज अच्छी है, पर मुझे ही नहीं अच्छी लगती, अब मुझे वो समझ नहीं आता उस ठीक मकान. है, कोई नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और क्या कह I रहे can लोग, beatbox. करण तुम गाओ? वो नहीं मेरे भाई, मुझे नहीं गाना, मैं गाऊंगा तो लाइव में जितने भी लोग हैं सब घर चले जाएंगे, ऑफलाइन चले जाएंगे, किसी और के लाइफ पे चले जाएंगे। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्या? तुम्हारी, I don't know, मुझे तो आ रही है, ठीक से आ रही है. करण आई डोंट नो, मतलब क्या आ रही है, कहाँ आ कैन रही यू है ना सिंग, यार। करना मेरे यहाँ प्लीज, मुझे भी अच्छा सुनना है, लेट मी. चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना, दिल के संदूक में मेरे अच्छे काम रखना,
चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे, चन्ना मेरे आ नाइस मेरे, बोलिए बस हो गया यार। नाइस नाइस, इट वाज नाइस। मैं पहले कान बंद कर रही थी, जब मैंने ध्यान से सुना तो अच्छा था। थैंक गॉड गाइस, थैंक गॉड रुकने के लिए, अच्छा था, थैंक गॉड आप लोग ऑफलाइन नहीं गए, अभी तक पब्लिक है यहाँ पे। हाँ अच्छा था, नॉट बैड। नाइस करण वॉइस सिंह प्रतिभा बेटर, मैम, मैंने कहा करण सिंह बेटर, करण अच्छा गाता है। हाय प्रतिभादी, हाय प्रत्यूष, हाय हाउ आर यू। प्रत्यूष मेरी डांस एकेडमी में आता है। हाय प्रत्यूष, आता था, नहीं आता है। ओह माय गॉड, करण व्हाट्स योर एज करण? 28 गाइस, हीज ओल्ड। एम ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ओ, कैन यू गाइस सी मी नाउ क्लियरली, क्या मैं पहले भी विजिबल ठीक हूँ? या नहीं, पहले किसी ने बोला कि वीडियो ठीक से नहीं आ रही है। ओके। प्रतिभा कैन यू डू सम डांस मूव्स? मैंने वैकिंग करके दिखाई, बाकी आई पोस्ट नाइस वीडियो, तो मैं अपने डांस मूव्स आपको वहां पे दिखाऊंगी फॉर श्योर। लव यू करण एंड गुड, प्रतिभा, लव यू टू गाइस। लव यू 3 times मोर। हाय, हेलो। वाह, ये तो रिकॉर्ड लाइव हो गया, मैं इतने लंबे समय के लिए लाइव कभी नहीं आया हूँ। मैं भी कभी नहीं आई हूँ, मेरा तो फर्स्ट टाइम है इंटरेक्टिंग विद सो मेनी ऑडियंस। सो मेनी ऑडियंस, हाँ, मतलब इतने सारे ओके लोगों के सामने इंटरेक्ट करना। करण ये यू तो माई अच्छी बात है। हार्ट, सम कोई ऐसा लिख रहा है। योर माई ब्लड, योर द वन दैट फ्लोज इन माई हार्ट, सिंह धीमे 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 धीमे। नहीं यार, प्लीज प्रतिभा ये के तो लिए गाना, आया हूँ, थैंक यू। ओके आई थिंक प्रतिभा, मैं कहाँ रहती हूँ? मैं मुंबई में रहती हूँ, पर मैं हूँ शिमला से। आई एम अ माउंटेन गर्ल, मैं पहाड़ों में ही पली बड़ी माय हूँ। गॉड, इसका एक ही चीज है माउंटेन गर्ल। हाँ पता है यार, तू या पहाड़ी मुझे है। अच्छा लगता है, मुझे ये नाम अच्छा लगता है, माउंटेन गर्ल। सो व्हाट, आई एम फ्रॉम द बे, या यू कॉल योरसेल्फ गली बॉय ना, उसी तरह से मैं अपने आप मैं को माउंटेन गर्ल बोलती हूँ। तो इधर का छोकर हूँ, अपने बच्ची वहां अंडा लाइक को, इधर ही चाहिए सब अपन, इधर ही पले बड़े हैं, मट्टी मट्टी खेल के, गोटी खेल के, भौरा खेल के, इधर ही पले बड़े हैं अपन तो। से समथिंग इन हिमाचली ना। यू वॉन्ट टू? या लिटिल, थोड़ी मैं बोरी हूँ इस बारे में, बट ओके ठीक है। आज हिमाचल दिवस भी है, सो आई विल से करण, हैप्पी वेयर आर हिमाचल यू गोइंग? दिवस, या थैंक यू करण, वेयर आर यू गोइंग? ओके, मैं इसको हिमाचली में बोल के दिखाऊंगी। करण केरखे डोए लागे, मैं जा रहा हूं अपने घर पे, वही गुड। ठीक है, अपने घर पे रहो। मैं और कहाँ जाऊंगा फ्लुएंट नहीं हूँ पहाड़ी में थोड़ी। मैं। कोई नहीं ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और कुछ बोलना है हिमाचली में? जो भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के हैं उन सबको हैप्पी हिमाचल दिवस, एंड आई होप यू गाइज, आई लव द माउंटेन्स, हिमाचल इज ऑल अबाउट द माउंटेन्स, एंड आई कांट वेट टू कम बैक। कम बैक उत्तराखंड, उत्तराखंड बाद में, पहले हिमाचल फिर उसके बाद उत्तराखंड। यार गाड़ी में सोलो ट्रैवल करूंगा तो लंबा लंबा सफर है, चंडीगढ़ से सबसे पहले तो ओके। वहीं कहाँ जा पाऊंगा ना मैं, हिमाचल। पे? फिर हिमाचल से हम जाएंगे मनाली, आई मीन सॉरी, अपना शिमला से जाएंगे यस, मनाली, मनाली से जाएंगे नगर, नगर से जाएंगे सुंदर नगर, इतना तो सुंदर मुझे नगर भी से नहीं जाएंगे, सुंदर नगर से जाएंगे हम शिमला वापस, फिर अपर शिमला, फिर वापस शिमला, फिर उसके बाद सोलन, फिर मंडी, फिर वहां से हम कट लेंगे और जाएंगे टुवर्ड्स टुवर्ड्स देहरादून, फिर देहरादून से हम जाएंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग से जाएंगे क्या था, देवप्रयाग के ऋषिकेश। बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश फिर हरिद्वार, और उसके बाद टेरी, 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 टेरी। गलत बोला, देवप्रयाग से पहले बाद में आता है,
पहले आता है ऋषिकेश, व्हाटएवर. ओके 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 ऑलराइट ओके, प्रत्यूष इज ऑल. आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू जंप तुम एंड लोग गो अपना अपने ही बोलते रहोगे कि पब्लिक की सुनोगे. यस, हम सुनेंगे. आप लोग पूछिए, हम पूछते हैं. आई एम फ्रॉम कश्मीर. हेलो, अच्छा एक हाय. सेकंड आई इन लुक्स एक बार लास्ट टाइम पूछ ले कि इज इट ओके विथ यू गाइस इफ वी कम लाइव ऑन सैटरडे सैटरडे 4-5 PM चलेगा आप सबको वापस सैटरडे 4-5 PM अगर आप सब आ जाएं अपने दोस्तों को लेके लाइव तो हम कुछ कर सकते हैं फिर से यस, थोड़ी और इंटरेस्टिंग गेम्स के साथ विल कम या बैक. एग्जैक्टली यस, All right. Someone saying, I think you have a girlfriend. No, I don't have a girlfriend. I'm single. यस प्लीज. या विल कम बैक. सब चाहते हैं हम वापस आए. विल कम. प्रिया द ड्रीमर चाहती कि हम नहीं आए प्रिया ओके तुम्हारे लिए आएंगे बाकी सब लिए आएंगे थैंक यू शो मी द व्यू फ्रॉम माई हाउस. या अभी थोड़ा व्यू अच्छा होगा अगर देखना है. आई कैन शो माई व्यू. ऑलराइट गाइस सैटरडे फिर से अभी फिलहाल प्रतिभा के घर से व्यू देख लो आप सब एलहम ऑल्सो सी महमूद लव यू मैन लव यू फ्रॉम मुंबई लव फ्रॉम इजिप्ट कमिंग इन अवे विंडो नहीं खुल रही है. ये सब वाओ तुम पहाड़ी हो मैं पहाड़ी हूँ. सो ये व्यू था मेरे घर पे. माय गॉड, करण डू टेल अस अबाउट योर बॉन्ड विद द यारिया कास्ट ओ या दिस गाइस आर फैंटास्टिक या आई शेयर अ ग्रेट बॉन्ड विद ऑल ऑफ देम एंड एवरीवन्स डूइंग रियली वेल इन देयर लाइव्स राइट नाउ एवरीवन्स बिजी डूइंग शोज डूइंग समथिंग ऑन यूट्यूब डूइंग कोलैबोरेशंस इट्स ग्रेट गॉड ब्लेस देम ऑल Wow, it's beautiful. Okay, ओके Okay, let's say I'm bye-bye. signing off. I will see you guys on Saturday. Saturday 5 PM we'll be live. हो सके तो आ जाना अपने परिवार को भी ले आना हो सके तो मम्मी पापा से क्वेश्चंस अगर आप हमसे पूछना चाहते तो ले आओ एक लड़का तुझसे पूछा प्रतिभा सोया वार्डरोब क्या देखना चाहता है ब्रो चिल आउट मैं वार्डरोब कर लेना यहाँ पे है ही नहीं. बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी अपनी जो है फार्म हाउस ही मैं वहां पे रह रही हूँ. क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे पता था कि लॉकडाउन इतना एक्सटेंड हो जाएगा, तो मेरा असली वार्डरोब मुंबई में और शिमला में है. यहाँ तो एक छोटा सा सूटकेस है. हाँ, मुंबई आके बताएगी आपको लाइव आके किसका वार्डरोब कैसा दिखता है ओके यस. एनीवेज बाय गाइस सी ओके, यू इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल बाय टेक केयर पीस सारा प्लीज को. स्टे एट होम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना उसका पालन करना मैं जानता हूँ ये समय हम सबके लिए कठिन है और मैं बहुत ही शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ एक्चुअली शुद्ध नहीं है लेकिन जो भी है Oh, by the way, my old series will release mostly in, I don't know, mostly actually, I don't know. Hopefully, it should release in July, August if we start shooting next month. But thank you for your love, guys. I will see you guys soon and God bless you all. Bye, 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 bye. Bye, Pratibha. I will see you on Ludo when I defeat you over there. Bye, 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 bye. Bye, guys. Take care. Bye. Bye. ओ चलेगा. ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड आई मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, प्लीज बी सेफ, प्लीज घर पे रहिए और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें. एंड स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली अच्छे से, बिकॉज ये टाइम अच्छा भी है क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ हैं. एंड एंजॉय, अपनी फैमिली के साथ बैठो, बातें करो अच्छे से, अपने अपने आप पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, ट्राई डूइंग डिफरेंट थिंग्स, सब कुछ अच्छे से करो. ओके सो नाउ आई विल गो. बाय बाय. प्लीज प्रतिभा, प्लीज से माय नेम दुआ. बाय दुआ. बाय बाय. नाउ आई एम सेइंग बाय बाय. एंड गाइस प्लीज स्टे फिट. बाय बाय.
अब सबको बाय हो गई है, बाय यू टू, बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। ओह यार।